हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए एक बार फिर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो बिगनर के लिए है जो कुछ नहीं जानते और हारमोनियम बजाने का शौक रखते हैं, हारमोनियम से गाने गाने का शौक रखते हैं, गाने निकालने का शौक रखते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी यह वीडियो है। तो आप पूरा वीडियो वॉच करें और आज की वीडियो में आप पूरा सीख जाएं कि हारमोनियम से गाना निकालने का मेन फंडा क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आपको स्वर को पहचानने का तरीका अभी मालूम है कि नहीं, स्वर को आप पहचान पाते हैं कि नहीं पहचान पाते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब, कोई भी स्वर आप कहीं से सुन रहे हो या आप कुछ गा रहे हो, कुछ भी गुनगुना रहे हो, तो वो हारमोनियम में आप ढूंढ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो उसका तरीका मैं आज बताऊंगा। अगर ढूंढ पा रहे हैं और फिर भी गाने आपसे नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर हमने कुछ अभ्यास तो किया है, हमने राग बहुत सारे बजाए हैं, पलटे बहुत सारे बजाए हैं, लेकिन हारमोनियम से गाना नहीं निकल पाता है अभी भी, ऐसे बहुत सारे कमेंट आते हैं। तो अगर आप स्वर को पहचान जा रहे हैं, स्वर अपनी मिला ले रहे हैं सभी स्वर हारमोनियम के स्वरों में, फिर भी आपसे गाने नहीं निकल रहे हैं, तो आपको अभ्यास की कमी है। आपको अभ्यास करना है और अभ्यास करना है। ठीक है, जितना ज्यादा जब तक गाना नहीं निकल पा रहा है तब तक आपको अभ्यास करते रहना है। और किस चीज का अभ्यास करना है? तो स्वर का अभ्यास करना है। सारे गम पधनी से सानिध्य पम वगैरह सा, इस बिलावल के थाट का जो पलटा है उसको हर एक स्वर से बजाएं, यानी 12 स्वर से, 4 कोमल, 1 तीव्र और 7 जो शुद्ध स्वर हैं, उन सभी से एक एक बार उसको बजाएं, आरोह आरोह सबका बजाएं। ठीक है, ऐसा जब आप करेंगे तो आपको धीरे धीरे स्वर ज्ञान होगा और आप हारमोनियम से बहुत जल्द बजाना शुरू कर सकते हैं कोई भी गाना। ठीक है, लेकिन अगर जो लोग नहीं जान रहे हैं, जो लोग हारमोनियम में अपनी आवाज को नहीं मिला पा रहे हैं, तो उनको कैसे मिलाना है? ठीक है, आज की वीडियो में हम वो चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करें। देखिए, मेरा मानना है कि संगीत जो है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास संगीत नहीं है, जो संगीत नहीं जानता हो। दुनिया का हर एक व्यक्ति संगीत जानता है, ठीक है, उसको पहचान नहीं पाता है। जैसे हवा सभी जगह है लेकिन हम उसको देख नहीं पाते हैं, ठीक उसी तरह संगीत हर एक व्यक्ति के अंदर विद्यमान है। नहीं, स्वर, लय, ताल, ये सब व्यक्ति के अंदर होता है, क्योंकि अगर स्वर नहीं होता तो फिर वो बोलता कैसे, किसी चीज को सुनता तो उसको अच्छा कैसे लगता, यानी उसको वो पहचानता है तब उसको आनंद आता है। तो स्वर आदमी के अंदर विद्यमान है, लय भी आदमी के अंदर विद्यमान होता है। कहीं आप स्थिर बैठे हैं तो आप अपने दिल पर हाथ रख कर देखिए, आपका धड़कन जो है एक लय में चल रहा है। नहीं, आप कहीं जा रहे होते हैं अकेले तो आप जो चलते हैं तो आपकी गति एक लय में होती है, एक ताल में होती है। तो लय ताल भी सबके अंदर होता है लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाते हैं, तो उसको हमें पहचानना है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि कोई भी स्वर हम लगाएं, और एक वीडियो में मैंने बोला था, आप सुने होंगे, कि तीन स्वर जो है, तीन स्वर वो हर एक व्यक्ति के अंदर होते ही होते हैं और सभी कोई जानते हैं उसे। तीन स्वर, जैसे सबसे पहले जो स्वर की खोज हुई थी संगीतज्ञों ने, ऋषि मुनियों ने जो संगीत के स्वरों का जो खोज किया, तो तीन स्वर ही सबसे पहले प्राप्त हुए, उदात, अनुदात और स्वरित, यानी सबसे निचला स्वर, बिचला स्वर और सबसे ऊंचा स्वर। ये तीन स्वर को ही ढूंढ पाए, ठीक है, और इसी के आधार पर तीन सप्तक का निर्माण हुआ, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। तीन सप्तक का निर्माण उसी के आधार पर हुआ। ठीक उसी तरह तीन स्वर सभी के पास है। जैसे हम बहुत धीरे बात करते हैं, नहीं, एक मीडियम बात करते हैं और एक बहुत जोर लगा करके हम बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, तो ये तीन स्वर तो सभी जानते हैं। बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, एक स्वर वो हो गया, एक मीडियम में जो हम बात करते हैं, जो अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, ये दूसरा हो गया, मीडियम हो गया, और फिर एक बहुत जोर से चिल्ला के हम बात करते हैं, वो हो गया। तो ये तीन स्वर तो सभी को है। तो ये तीन स्वर अगर हम पहचान जा रहे हैं, उसको अगर हारमोनियम पर हम मिला ले रहे हैं, तो बाकी सारे स्वर खुद ब खुद अपने आप मिल जाएंगे। जैसे मान लो कि हम कोई स्वर लगा रहे हैं, जैसे सारे गम पद निशा तो याद होगा आपको, सारे गम पद निशा आपको किसी भी स्वर में बोलना है, कोई जरूरी नहीं है कि उसको
प के स्वर पर ही बोलना है, ध के स्वर पर ही बोलना है, नी के स्वर पर ही बोलना है या रे के स्वर पर ही बोलना है, किसी भी स्वर में आकार लगाइए या सा बोल के लगाइए या रे बोल के लगाइए, कुछ भी कोई भी स्वर आपको बोलना है। जैसे द ना, तो मान लो एक स्वर हो गया ना, तब उस स्वर पर हमें रुके रहना है, उसी स्वर पर आप रुके रहें और उसको हारमोनियम में ढूंढे पहले बजा करके। जैसे ना स्वर जो है यहाँ पर मिल रहा है, यानी दूसरी काली में हमारा स्वर ये मिल रहा है, ये दूसरी काली हुआ, ये इसको पहली काली, इसको दूसरी काली बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा मिल गया ना, तो क्या होगा हमारा ये मध्य लय, हमारा मीडियम ये आवाज हो गया, मीडियम स्वर हो गया, ठीक है। अब मान लो कि इससे हमें थोड़ा धीमा बोलना है, इससे धीमा, थोड़ा धीमा या ज्यादा धीमा कोई भी आप बोल सकते हैं, उसको मिलाना है सिर्फ जानने के लिए। जैसे ना, तो यहां हमारा मिल रहा है, अब इससे हम धीरा बोलेंगे ना, ना उससे कम है ना, ना ना, अब इसको ढूंढना है ना, ये यहां पर मिला मंद सप्तक में दैवत, मंद सप्तक की पांचवी काली, मंद सप्तक की ये पांचवी काली, ये पहली है, दूसरी है, ये तीसरी, चौथी है, पांचवी काली है मंद सप्तक की, ठीक है। तो ये हमारा कहां मिला, मंद सप्तक की पांचवी काली पर दो स्वर हमें मिलाने आ गए। जैसे पहले मैंने बोला था ना, ना, ठीक है। अब हम आगे किसी स्वर को ढूंढेंगे, एक हमारा बिजला स्वर मिल गया, दूसरा निचला स्वर मिल गया, अब हमको अगला स्वर खोजना है तीखा स्वर, यानी तीसरे वाले स्वर को, ठीक है। तो उसी तरह हम खोजेंगे ना, हमने सबसे पहले ये मिला था तो नीचे हमने ढूंढा था, तो नीचे का स्वर इधर होता है तो यहां मिला, ठीक है। और फिर जब उचला स्वर हम खोज रहे हैं तो इधर होगा, तो इधर हम खोजे तो कहां मिले ना, ना। ये तीन स्वर हमने ढूंढ लिए। इसी तरह आपको भी स्वर को ढूंढना है, एक एक स्वर को, कि हमारा स्वर कहां मिल रहा है, ठीक है। जब आप जो स्वर बोल रहे हैं और वह स्वर हारमोनियम पर आप ढूंढने लगेंगे और हारमोनियम पर आप ढूंढ लेंगे, तो इसी के आधार पर आप गाने का स्वर भी ढूंढ लेंगे। क्योंकि जो भी स्वर आप सुनते हैं, जो भी गाने आप सुनते हैं, तो उसके गाने के स्वर आपके दिमाग में होते हैं। कोई भी व्यक्ति गाना जो निकालता है, कोई भी वाद्यकार जो होता है, जो हारमोनियम बजाता है, कैसियो बजाता है, सिंथेसाइजर बजाता है, कुछ भी बजाता है, सितार गिटार कुछ भी बजाता हो, तो वो कैसे बजाता है, उसके माइंड में, उसके दिमाग में, दिलो दिमाग में, जिहन में उस गाने का स्वर पहले से रहता है, ठीक है। उस गाने के बारे में वह सोचेगा, वह स्वर उसके दिमाग में गूंजने लगता है, ठीक है। वह स्वर उसके दिमाग में गूंजने लगता है क्योंकि उस चीज को उसने बार बार सुना है, बार बार सुना है, उसके दिमाग में वो पहले से है, ठीक है। तो उस चीज को वह सोचेगा और दिमाग जब वो रिलीज करेगा तो स्वतः उसकी उंगली उस बटन पे चली जाएगी जहां से वह गाना बजेगा। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि कुछ अलंकारों का अभ्यास करें, ठीक है, और स्वर की पकड़ शक्ति बनाए। जब तक अलंकार का अभ्यास नहीं करेंगे, स्वर की पकड़ शक्ति नहीं बनेगी। कौन सा स्वर कितना ऊंचा है, कितना नीचा है, ये कैसे पता चलेगा? जब हम अलंकारों का अभ्यास करेंगे नहीं, तो उसको गा करके अभ्यास करेंगे तो हमारे जहन में, दिलो दिमाग में रहेगा, ठीक है। या हारमोनियम सिर्फ बजा करके अभ्यास करेंगे तो अंगुली उस स्वर को पहचान जाएगा। जैसे हम मान लें सा प, रे,
जो भी स्वर आप ढूंढना चाहेंगे स्वतः अंगुली आपका वहां पर चला जाएगा। ये कैसे जाएगा? जब आप बार बार स्वरों का अभ्यास करेंगे, अलंकारों का अभ्यास करेंगे, पलटों का अभ्यास करेंगे, तब जाएगा। तो अंगुली को फ्रेश करने के लिए, अंगुली को रफ्तार में लाने के लिए अलंकारों का अभ्यास करना पड़ता है, हमें पलटों का अभ्यास करना पड़ता है। मैं बार बार कहता हूं, इसलिए आप पलटों का अभ्यास खूब करें। मेरुखंड अलंकार जो मैंने बताया है, बहुत सारे मेरुखंड अलंकार के वीडियो पड़े हैं चैनल पर, आप उसको देख सकते हैं। तो मेरुखंड अलंकार के भी अभ्यास करें। मेरुखंड अलंकार का जब अभ्यास करेंगे, स्वर का जो पकड़ स्वर होता है अंगुली का, वो बढ़ता है, ठीक है। तो मेरुखंड अलंकार का अभ्यास आप ज्यादा से ज्यादा करें, और ऐसे पलटों का अलंकारों का अभ्यास करें। इस तरह के अभ्यास करते हैं तो मैं आपसे दावा करता हूं कि बहुत ही जल्द आप बहुत ही अच्छा वादक बन सकते हैं। किसी भी गाने को बहुत ही सरलता से, बहुत ही आसानी से आप बजा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया प्यारा से कमेंट कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा करके ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की वीडियो मैं जब भी डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक के लिए गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।